गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल मानसी ब्लॉग्स। आज का जो मेरा वीडियो है इसके लिए मुझे काफी रिक्वेस्ट आए थे कि मैं अपने किचन का कैसे ध्यान रखती हूँ, कैसे मेरा किचन इतना साफ रहता है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने कुछ ट्रिक्स टिप्स, या फिर बोल सकते हैं मेरे कुछ हैबिट्स जो मैं फॉलो करती हूँ रेगुलरली, जिससे मेरा किचन मोस्ट ऑफ द टाइम साफ ही रहता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन से छोटी छोटी चीजों को फॉलो करती हूँ जिससे मेरा किचन साफ सुथरा और चमकता हुआ रहता है। खाना बनाते हुए जो छोटे मोटे सामान यूज होते हैं जैसे बेलन वगैरह, उनको उसी टाइम पे मैं वॉश करके रख देती हूँ। बाकी खाने में यूज होने वाले जो सामान है उनके डब्बों को उसी टाइम अपने जगह पे वापस रख देती हूँ। तो इससे जो स्लैब है वो क्लटर फ्री रहता है और आपको काम करने के लिए ज़्यादा जगह मिलता है। साथ ही मैं स्लैब को एक बार फटाफट से स्पीड क्लीन अप कर लेती हूँ स्लैब का, और स्लैब पे जो रखी हुई चीज़ें हैं उनको भी उसी कपड़े से हल्का हल्का वाइप कर लेती हूँ। तो इससे जो तेल की छींटे हैं जो सामान में लगी रहती हैं वो उसी टाइम साफ हो जाती हैं और इकट्ठी नहीं होती हैं। सब्जियों को काटते हुए जो छिलके हैं उनको डालने के लिए मैं यहाँ पे एक प्लेट यूज़ कर रही हूँ। आप न्यूज़पेपर या कोई भी पुराना पॉली बैग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या है, सारा कचरा एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है और बस एक बार में फेंक दें और आपका स्लैब भी गंदा नहीं होता है। सब्जियां हिलाते हुए जो करची यूज़ करते हैं उसको एक प्लेट या कटोरी में रख दें, इससे आपके स्लैब में तेल नहीं लगेगा। सब्जियां काटने के तुरंत बाद ही जो चॉपिंग बोर्ड है उसको मैं वॉश कर लेती हूँ, ताकि इससे जो है चॉपिंग बोर्ड पे निशान भी नहीं आते और उसमें बास भी नहीं आती, तो इन्फेक्शन नहीं होता है। सब्जियां बनाते बनाते काफ़ी बार गलती से जो सब्जी है वो गैस स्टोव पे गिर जाती है, तो जब भी ऐसा होता है मैं उसी टाइम उसको साफ़ कर लेती हूँ गीले कपड़े से। तो इससे जो है वो सूखता नहीं है और फिर बाद में मुझे रगड़ना नहीं पड़ता और मेरे गैस स्टोव पे स्क्रैच नहीं आता है, तो ये आसानी से साफ़ हो जाता है उसी टाइम। दिन में जब भी मुझे मेरा सिंक खाली मिलता है, वैसे तो मेरी मेड साफ़ कर देती है, फिर भी जब भी मेरे को सिंक खाली मिलता है मैं उसमें एक बार हल्का सा जो विम लगा के उसको साफ़ कर लेती हूँ, ताकि इसमें चिकनाई इकट्ठी नहीं होती और उसमें काई नहीं जमती है और जो सिंक है वो हमेशा ही चमकता रहता है। बर्तन धोने के बाद जब सूख जाते हैं उनको मैं अपनी जगह पे रख देती हूँ उसी टाइम। तो इससे जो है मेरा जो स्लैब है वो बिल्कुल भरा भरा या फिर क्लटर्ड नहीं लगता है, और जो उसके नीचे का एरिया है टोकरी के नीचे मैं उसको उसी टाइम वाइप कर देती हूँ। मेरे यहाँ पे हार्ड वाटर आता है, मतलब खारा पानी आता है, तो उसके बहुत जल्दी निशान पड़ जाते हैं। तो ऐसा करने से जो है पानी उसी टाइम पूरा साफ हो जाता है और स्लैब पे निशान भी नहीं आते हैं पानी के। तेल के बॉटल्स और घी के डब्बे, इन सब को रखने के लिए मैं शेल्फ पे हमेशा ही न्यूज़पेपर बिछाती हूँ। जब भी हम तेल यूज़ करते हैं तो डब्बे के साइड से तेल गिरता है, तो न्यूज़पेपर बिछाने से क्या होता है आपका शेल्फ पे डायरेक्टली ऑयल नहीं जाता है और आप पेपर चेंज कर लो, आपका शेल्फ साफ। किचन के छोटे मोटे जो सामान होते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स, उनको रखने के लिए मैं ऐसा बास्केट यूज़ करती हूँ। तो इनमें सब सामान को आप रख देते हैं तो आपका स्लैब फैला हुआ नहीं लगता, तो ये जो है आपके किचन को एक ऑर्गेनाइज्ड लुक देता है और इससे आप जो साफ़ सफाई करना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसको आप जो बास्केट है इसको आप बस हटा लीजिए, नीचे का एरिया वाइप कर लीजिए और बस हो गया आपका बिल्कुल ईजीली क्लीनिंग। बर्तन मांजने के जो स्क्रब्स होते हैं इनको मैं रोज़ाना ही धूप में डालती हूँ, इससे इनकी बास भी चली जाती है और जो इसमें कीटाणु लगने का डर रहता है वो भी चला जाता है, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। खाना बनाते वक्त या फिर उसके बाद मैं हमेशा ही किचन की जो खिड़कियाँ हैं उनको खोल देती हूँ,
इससे पूरे घर में खाने की स्मेल नहीं आती है और किचन में फ्रेश हवा आती है तो किचन भी बिल्कुल फ्रेश फील होता है। बर्तनों को सिंक में डालने से पहले उनका जो भी बचा हुआ खाना है उसमें उसको आप डस्टबिन में डाल दें। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। तो इससे क्या होता है, जैसे अगर रात भर बर्तन आपके सिंक एरिया में रहते हैं, अगले दिन मेड आके वॉश करती है, तो आपके जो सिंक एरिया है वहाँ पे स्मेल नहीं आती, बास नहीं आती और कॉकरोचेस भी नहीं होते हैं। और जो सिंक एरिया है और उसके जो पाइप्स हैं उसमें चोकिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं रात को सोने से पहले ही अपने किचन को अच्छे से साफ कर लेती हूँ ताकि सुबह जब मैं किचन में जाऊँ तो मुझे मेरा किचन बिल्कुल साफ मिले। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, आइए दिखाती हूँ आपको। किचन साफ करने के लिए मैं एक पेस्ट बनाती हूँ जिसमें मैं खाने का सोडा, नमक और फिर उसमें डालती हूँ मैं विनेगर। विनेगर को डालते ही उसमें बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, सॉल्ट और विनेगर का रिएक्शन होता है। और उसमें मैं डालती हूँ हमारा जिससे हम बर्तन धोते हैं, विम लिक्विड। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को मैं जो मेरा गैस स्टोव है उसके जो सारे पार्ट्स हैं उसमें अच्छे से लगा लूंगी। इस पेस्ट को मैं जो गैस स्टोव है उसके ऊपर भी सब जगह चारों तरफ अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। जो गैस का रबर है उस पर भी काफ़ी तेल इकट्ठा होता है तो उस पर लगाऊंगी। उसके बाद जो इमीडिएट वॉल है जहाँ पे काफ़ी तेल के जो छींटे जाते हैं उस पर भी अप्लाई कर दूंगी। और जब तक मैंने ये गैस स्टोव पे ये सारा अप्लाई किया है इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी, तब तक मैं सेम मिक्सचर से अपना स्लैब भी साफ कर लूंगी। अब एक गीले कपड़े के साथ जो मेरा विनेगर वाला पेस्ट है उसको अच्छे से मैं वाइप कर लूंगी। विनेगर बहुत ही अच्छा माइक्रोब्स को हटाने के लिए काम करता है और जो स्मेल है किचन की जो स्मेल आती है स्लैब से उसको भी अच्छे से हटा देता है। तो ये हो गया मेरा किचन बिल्कुल साफ। और सुबह आंखें खुलते ही जब आप ऐसे साफ सुथरे चमकते हुए किचन में जाते हैं और चाय बनाते हैं तो उसका मजा ही कुछ और है। और लास्ट चीज़ है जो आपकी किचन की खूबसूरती बहुत बढ़ाती है वो है पौधे। तो जहाँ पे भी आपको जगह मिले आप ऐसे पौधे रख दें, ये आपके किचन को बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा बना देते हैं। आई होप कि ये जो मेरे आज के जो मैंने टिप्स शेयर किए हैं किचन को साफ रखने के ये आपके काम आए। और अगर आप कुछ और टिप्स भी, कुछ और हैबिट्स या कुछ और आप चीज़ें फॉलो करते हो अपने किचन को साफ करने के लिए, साफ रखने के लिए, तो आप वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।